आज संसद सेवा केंद्र का ओपनिंग किया गया है और ये जन्मदिन से शुरुआत की। आज अच्छा मुहूर्त था, बाड़मेर जैसलमेर बल्होत्रा की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे सांसद बनाया और आज सांसद सेवा केंद्र की विधिवत ओपनिंग की गई। और यहाँ जो भी संसदीय क्षेत्र के लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेके आएंगे तो यहाँ परमानेंट ऑफिस ये खुला मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं और क्या क्या जो है समस्याओं के लिए क्या क्या पोर्टल बनाए गए हैं? एक ही व्हाट्सएप नंबर है, लैंडलाइन नंबर है और ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ कोई भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, जो भी अपनी वाजिब मांग है वो रख सकता है। उनका पूरा विधिवत रूप से निस्तारण किया जाएगा और उनका पूरा समाधान किया जाएगा। सर, यहाँ ऑफिस में कितने लोगों को लगाया जाएगा, उसके बाद आप खुद इसकी मॉनिटरिंग कर सके, इसके लिए किस तरीके से पहल की गई? देखिए, जब भी कंटिन्यू हर महीने के अंदर कम से कम 7-8 दिन संसद के सेवा केंद्र के अंदर मैं हाजिर रहने की कोशिश करूँगा और रहूँगा। और यहाँ स्टाफ रहेगा 3-4 आदमी का, जो कोई भी आदमी आएगा उसको सही रिस्पांस देगा, उनकी समस्या को सुनेगा और मैं समाधान करूँगा उनको, क्योंकि हर कोई पहुँच नहीं पाता है, उसके लिए ये कितना सहूलियत भरा हो जाएगा। देखिए, जिला मुख्यालय का है, सेंटर में पड़ता है। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि बल्होत्रा और जैसलमेर के अंदर भी एक एक छोटा ऑफिस रहेगा वहाँ भी, और मेन अपना ऑफिस ये रहेगा। यहाँ हर कोई भी कभी भी यहाँ आ सकता है अपनी कंप्लेंट लेकर। आज भी सर जनसुनवाई के लिए कुछ लोग आए थे, समस्या किस तरह की समस्या आई क्या? देखिए सर, सब पहली समस्या आई उसकी मांग थी नरेगा का जो पेमेंट है वो समय से नहीं आ रहा है, लेबर का भुगतान भी नहीं हो रहा है, मटेरियल का भुगतान भी नहीं हुआ है, तो वो समस्या सबसे पहले थी। क्यों, मैं भी खुद सरपंच प्रतिनिधि रह सका हूँ तो मुझे समस्या का पता है कि एक सरपंच जो गांव का जनप्रतिनिधि होता है उसको कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है और किस किस प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, तो उनकी समस्या वो लेके आया। और मैं प्रयास करूँगा कि ग्राम पंचायतों का जो भी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके का किसी भी मद में पेमेंट हो, उसको जल्दी से भुगतान करवा कर उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा।